औद्योगिक क्षेत्र तुर्बे में बन रहे एक सर्विस रोड ने यहाँ के कारोबारी और कार्यालय धारकों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालत यह है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते यहाँ अक्सर बिजली और पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है, जिससे दिन भर बत्ती गुल रहती है। ताजुब इस बात का है कि इसे लेकर मनपा ना ही MIDC के अधिकारी अंधे और बहरे बने हुए है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा पानी और गंदगी से भरा यह इलाका तुर्बे औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां MIDC और महानगर पालिका पुरानी सड़क को खोदकर नई सड़क बना रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के चलते यहां मुसीबत और बढ़ गई है। हालत यह है कि सड़क मरम्मत के दौरान अक्सर बिजली और पानी के कनेक्शन कट रहे हैं, जिससे कंपनी और कार्यालय में अक्सर बत्ती गुल रहती है। ताजुब इस बात का है कि शिकायतों के बाद भी मनपा और महामंडल के अधिकारी समाधान करने के बजाय अंधे और बहरे बने बैठे है। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए। कम से कम 2-3 महीने से काम चालू है यहाँ पर। अभी बरसात का मौसम शुरू होगा, बारिश शुरू होगी, जून में बारिश गिरेगी। अभी यहाँ पर सुबह में यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर रही थी खन्ना कंपाउंड में। यहाँ पे रोड पर पूरे पानी भर रही थी। अभी यहाँ पर शौचालय है, यहाँ पर बस्ती है, यहाँ पर अम्बेडकर नगर ये बस्ती है। यहाँ पर इंडस्ट्री में लोग काम पर जाते हैं, किस तरह से उनको सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। अभी अपने महानगर पालिका के जो अधिकारी है, इनका थोड़ा भी ध्यान यहाँ पर नहीं है और काम नहीं हो रहा है। इसका पूरा जवाबदारी महानगर पालिका के जो अधिकारी है उन पर जाता है। तो ठेकेदार तो अपने थोड़ा बड़ा जो अपने शॉर्टेज लगा के अपना काम करा लेते हैं, पर ठेकेदार पूरा पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। अभी इसका हमको एक्शन उठाना पड़ेगा, हमको सिटी इंजीनियर से मिलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से काम होगा तो हमें उनको एक पत्र देकर हमें आगे क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे या फिर हम ऑब्जेक्शन उठाने का हम खुलकर सबको ये बोलेंगे। अभी इधर स्थानीय नगर से वो भी उनको बोले हैं कि आयुक्त तो सबसे बात की है कि अभी देखो कितने दिन में काम होता है, अगर काम का हमको जल्दी से जल्द नहीं हुआ तो हमको इसका कुछ तो हमको निवारण करना पड़ेगा। हमको अधिकारी के ऊपर हमको एक्शन उठाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे तरीके से पानी भर रहा था, कोई ध्यान देने के लिए नहीं आ रहे। जब यहाँ जो देख रहे गटर, ये गटर का पूरा पानी वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ था। ये गटर पूरा ये रास्ते में पूरे पानी पूरे भर भर चुके थे रास्ते को, लोगों को सामना करना पड़ रहा था। पर अपना क्या बोलते कपड़ा ऊपर करके उनको चलना पड़ रहा था, इतने से भीग रहे थे उसमें। तो आप बारिश नहीं कुछ नहीं, फिर भी इतनी तकलीफ हो रही है, इतना कचरा भरा हुआ है, इतने गटर भरे हुए हैं, रास्ते पे पानी भरा हुआ है, तो सारी चीज़ का सामना करना पड़ा है। झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनको कुछ एक गोर गरीब यहाँ पर रहते हैं, लेबर वर्क यहाँ पर रहते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को इधर आना जाना पड़ता है, काफ़ी लोगों को इधर पे सामना करना पड़ता है। इसकी सारी जवाबदारी ये महानगर पालिका के अधिकारी है, ये ठेकेदार से काम करा के लेते नहीं, इनका किधर छाटा लोटा है, इसलिए इन लोग अपना थुकपटे लगाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर औद्योगिक इलाका होने के बावजूद मुसीबत झेल रहे कंपनी कारखानों और कार्यालय की बत्ती गुल का समाधान कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।